अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान शकील अहमद चन्ना। एक बार फिर से आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हुए हैं। आज हम ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हैं जो कि टेलर मास्टर है। 15 रोज़ कबल एक मामूली बात पे झगड़ा हुआ था, जो बीच बचाव करने के लिए ये नौजवान बीच में आया तो उसको जो है गोलियां लगी। अब मौजूदा सूरत हाल इस नौजवान की करें तो इसकी एक टांग जो है डॉक्टरों की जानिब से काट दी गई है। अब ये मुकम्मल तौर पे जो है माजूर और लाचार है। तो आज हम इससे बात करेंगे कि अब तक जो है हुकूमत की जानिब से क्या इनके लिए इमदादी कार्रवाई की गई है, या जो हमारी यहाँ की मकामी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से क्या इनके साथ जो है सहकार किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये कितना हसीन और ख़ूबसूरत नौजवान है जिसका नाम मुनीर अहमद सोलंगी है, जो कि टेलर मास्टर है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मुकम्मल तौर पे जो है बेचारा अब माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर जो है मजबूर हो गया है। तो आज हम इससे बात करेंगे कि अब तक जो है इसके लिए क्या माली मदद की गई है यहाँ की मकामी इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से। आइए तो इनसे बात करते हैं, मज़ीद ये क्या कहते हैं। अदा मुनीर, तू बुधा जी क्या ही तू विच में अची वे इन झेड़े जे में? सर पहले गोलन जी का गाली को नहीं, पर उन बाद में गोलन जी गाल थी झलून पा बबा गोलन जो मसलो ना है, गोलू ना हलो तो असागे तकरीबन असे मुहला बिठा दी बस अंदर पिस्टोल खड़ी अची इन बस सीधा फायर क्या जलूस पवा न फायरिंग की गाल ही ना फायरिंग न कर भी न फायरिंग कई एकड़ी गोली लिखी हुई इतना मुझे क्रॉस थी उन मला छोकर के छाती में लगी है, बी गोली मुझे टंग में लगी है। उन मन का मुख्य गाल की खबर ना है छा थो छा न थो मां किरी पियम। अच्छा जिन माल ही तो मसलो थो पे त ता और माल पंजे दुकान ते बैठा है? जी जी मां पंजे दुकान ते बैठो हूं। अच्छा टेलर मास्टर है कम कंदा है? जी जी दर्जी आयो? जी जी दर्जी। टाइम का वठी टेलर मास्टर है कम के मुख्य तकरीबन साल थियो पंजे दुकान खोलो तो मन ता हुआ मां कारीगरी कंदो। अच्छा तमा जो वालिद साहब छा कंदो? वो एरिकेशन में उन उन इंतकाल थियो तकरीबन 2016 में। अच्छा घना भायर होता असा पंजाब एकड़ो गुजारो भाई चार हूं उए छा का नाम थिन भाई एकड़ो एरिकेशन में आ एकड़ो मजदूरी कंदो आ बे नंडो आ पढ़े बे पढ़े। अच्छा इन माल भला डठो वने ही जको मसलो थियो आ तो इन में भला हुकूमत जे तरफा या हता जी जका मकामी इंतजाम या है ता सा कोतावन कियो थी? जी न बस ओठा बटे चक्कर आया उन चो ता जी चंदो असई कंदा सी असाजे माना वडन भी यो चो मो भी यो चो बाबा असाए बो कुछ भी न खपे असाए मेहरबानी करे असाए माजूर कोटा में माना सरकारी का भी ड्यूटी खपे सा पक्की खपे माना कॉन्टेक्ट न खपे। अच्छा वो ड्यूटी की अपील ता के खादा क्यों अपील हुकूमत तका या पान ही जन बेहतर आ पान जन जिन जिन कयो आ सही जिन पान कयो आ पान चैन ब था आई जन ब पान सही हुकूमत के अपील कता कंदा दी भला हन माल तई का माली सहायता थिया? जी न न कुछ भी न ही जेको भी इलाज ता जो हलियो पंजे खर्च असा पंजो कयो उनन चयो पर असा चयो फिलहाल असा का शे जी जरूरत ना है असा जे मला सही थिया सी असा भाईरन जी मना संगत जी दोस्तन जी चाचन मामन जी मना इया हुई ता असा ता का बिना रुपयो न तो खपे बाकी उन बाद में असा सही थिया दी असा कुछ भी तय न खपे असा सिर्फ असा माजूर कोटा में सरकारी ड्यूटी खपे सो पक्की खपे। हाँ जी बिल्कुल, आपने इस नौजवान की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मेरी जो है माली साथा करे या माजूर कोटा में मुझे नौकरी दें ताकि बआसानी में जो है अपने बच्चों का गुजर सफ़र कर सकूँ और बआसानी अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर सकूँ। कैमरामैन टीम के साथ शकील अहमद चन्ना, चैनल 51 न्यूज़, 7 शरीफ।